तो इस वीडियो में हम देखने वाले प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, तो इसमें सबसे पहले आता है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अभी साइबर क्राइम क्या होता है, आपने देखा नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो साइबर क्राइम आप देख लो। तो उसको कैसे बचना है, तो अभी सबसे पहले आता है, मैंने बताया साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जो भी कंप्यूटर है उसको सेफ करना है, आपका मोबाइल फ़ोन को सेफ करना है, जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए, तो सब सेफ करना। अभी देखो यहाँ पे हम लोग ने दो पॉइंट तक कवर कर ली। यहाँ पे देखो अभी इधर पे एक वर्ड है नेट एटिकेट, मतलब कि अच्छा बिहेवियर इंटरनेट पे जो है वो अच्छा बिहेवियर रखना, मतलब अच्छी चीज़ सर्च करना, कुछ गलत वगैरह सर्च नहीं करना, हो सकता है आपके ऊपर केस हो जाए गलत सर्च करने के बाद, तो अच्छा अच्छे तरीके से यूज़ करना। और फिर यहाँ पे देखो अभी रिसेंट ईयर में इसमें लिखा हुआ है, रिसेंट ईयर में कुछ ऐसे केस आए थे जिसने इंटरनेट को एक्सपोज कर दिया, जैसे कि कुछ हैक कर लिया था या कुछ भी अटैक हो गया था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को साइबर सेफ्टी रखना ज़रूरी है। साइबर सेफ्टी अपना अपने लेवल पे भी रख सकते हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है। आपने देखा रहेगा हैकर को बिठा के रखते कि गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक नहीं हो रही है, चेक करते रहे, तो ऐसे होते हैं प्रोटेक्ट करना। और फिर देखो यहाँ पे जो भी आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हैक ना हो जाए, वो जो भी ऐप या वेबसाइट है वो हैक ना हो जाए, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि आपने विंडोज़ देखा रहेगा, विंडोज़ लेते अगर लाइसेंस वाला रहते तो उसमें वायरस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर रहते हैं, क्योंकि वो हर महीने अपडेट देते रहते हैं या हर साल में मालूम नहीं, लेकिन देता रहता है अपडेट, तो क्या उससे आपका कंप्यूटर जो है सिक्योर हो जाता है। तो अब देखो जो भी है उसको सबसे आपको जानने के लिए पहले थ्रेट देखना पड़ेगा, क्या रिस्क है ये सब, और फिर उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फायर वगैरह से, और फिर उसको रिकवर करना चाहिए अगर हो गया अटैक। तो देखो इसमें सबसे पहला यही है कि थ्रेट और रिस्क को पहचाने, कैसे पहचानेंगे, जो भी थ्रेट है जैसे कि कुछ कोडिंग खुल गया तो थ्रेट है कैसे पहचानेंगे, या फिर वायरस आ गया पहचानेंगे कैसे, तो इसमें सबसे पहले आता है कंप्यूटर स्लो हो जाता है, कंप्यूटर मोबाइल जो भी है स्लो हो जाता है। अभी स्लो होना मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से स्लो गया, जैसे कि अभी सपोज आपका मोबाइल में 4 GB की रैम आपने पूरा भर भर के रखा है, बहुत मतलब आपने खुद से ऐप डाउनलोड किए है और पूरा भर भर के रखा और स्लोअर है, तो वो अलग बात है, लेकिन पूरा मोबाइल नया लिया है फिर भी हैंग हो रहा है, उसका मतलब हो सकता है कि वो उसमें वायरस आ गया या हैक हो गया वो मोबाइल। अब इसके बाद होता है सिस्टम क्रैश हो जाता है, आपने देखा रहेगा विंडोज़ कभी कभी क्रैश हो जाता है और उसके अपडेट नहीं मिलते जल्दी से, मतलब अपडेट डाउनलोड हो ही नहीं रहे, अपडेट आए लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, मतलब तो हो सकता है उसमें वायरस आ गया। और फिर इसके बाद आता है नया ऐप आ गया, आपने कुछ सर्च किया रहेगा या फिर अचानक से अपने विंडो स्टार्ट किया और फिर देखा कि नया ऐप कैसे आ गया, तो हो सकता है वो हैक किया हो कंप्यूटर या फिर वायरस आ गया। और फिर इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा मतलब जो भी आपका डेटा है वो प्रोटेक्ट करना, तो इसमें सबसे पहले आता है फायरवॉल से सिक्योर करना। फायरवॉल मतलब एक चीज़ होती है क्विक हिल, जैसे आपने क्विक हिल सुना रहेगा, वो मतलब बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट करते कि वायरस अंदर ना आ जाए, जो हैकर है वो अंदर आके हैक ना कर सके, वो ऐसे हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा उसको दिमाग लाना पड़ेगा, और जब तक हैक करेगा हम लोग वो फायरवॉल चेंज कर चुके रहेंगे, इसके लिए फायरवॉल लगाना चाहिए। और फिर दूसरा वाला फायरवॉल का हम लोग डेफिनेशन आगे देखेंगे, आगे है तो हम लोग वो आगे देखेंगे डिटेल में, अभी इतना समझ लो जो भी नेटवर्क है उसको फायरवॉल से सिक्योर करना। और फिर डिफरेंट लॉगिन पासवर्ड लेना, जैसे कि अभी इंस्टाग्राम पे कुछ लॉगिन पासवर्ड और रखने का, फेसबुक पे अलग रखने का, और जो भी पासवर्ड है वो स्ट्रांग रखना। आपने देखा रहेगा पासवर्ड बोलते हैं स्ट्रांग रखो अच्छा रहता है, तो स्ट्रांग रखना पासवर्ड। अभी स्ट्रांग पासवर्ड कैसा होता है, मतलब जिसमें नंबर भी हो, अल्फ़ाबेट भी हो और सिंबल भी हो, जैसे कि @ #, जो भी है वो सब भी हो, तो वो स्ट्रांग पासवर्ड होता है। और सब जगह पर अलग अलग पासवर्ड यूज़ करने के, सब जगह पर एक पासवर्ड यूज़ नहीं करने का, जैसे कि सपोज इंस्टाग्राम पे आपने कुछ रखा तो फेसबुक पे कुछ और रखो, गूगल पे कुछ और रखो, तो क्या अभी इंस्टाग्राम हैक हो गया, सपोज इंस्टाग्राम हैक हो गया तो दूसरे सब हैक ना हो जाए, तो इसके लिए अलग अलग पासवर्ड रखने के। अभी ओपन सोर्स या फिर लाइसेंस सॉफ्टवेयर खरीदे, अभी जैसे कि एग्जांपल अपन मोबाइल ही लेते हैं, अभी मोबाइल में जो एंड्रॉयड रहता है वो ओपन सोर्स है, मतलब ऑलमोस्ट सब मोबाइल में मिल जाता है, उसके आपको पैसे नहीं देने पड़ते, तो ये वेरीफाइड और ओपन सोर्स है, जो भी एंड्रॉयड है वो ओपन सोर्स है, तो आप वो ले सकते हो। और फिर लाइसेंस मतलब विंडोज़ का आपने देखा जाए एक पायरेट रहता है,
जो पायलट रहते हैं उसमें उसके अंदर 100% चांस है कि वो वायरस वाला हो या फिर कुछ कोडिंग खुल गई हो उसके अंदर वायरस आ सकते हैं। तो जो लाइसेंस वाला रहता है वो अपडेट भी देते रहता है और आपका जो भी है डेटा वो सिक्योर भी करते रहते हैं। और फिर प्रोहिबिट यूज़ ऑफ पर्सनल डिवाइस, जो भी आपका डिवाइस हो, जो सपोज हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, जो भी है, वो किसी और के कंप्यूटर में डालो मत कुछ भी। आपको नहीं देखा पेन ड्राइव लेके जाते हैं साइबर कैफे में लगाते हैं, या फिर अपने को कुछ प्रिंट आउट लेना रहता है पेन ड्राइव लेके जाते हो, जो भी है उनको बोलते हैं कि इससे प्रिंट आउट चाहिए डॉक्यूमेंट का, तो ये नहीं करना चाहिए। अभी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट चाहिए आप कैसे ले सकते हो, उसके अंदर जो भी डेटा है, मतलब खाली वो एक फाइल रखो, दूसरा कुछ मत रखो, तो ऐसा करके आप ले सकते हो। अभी इसके बाद आता है प्रोटेक्ट योर वाईफाई, जो भी वाईफाई है उसको एकदम अच्छे से पासवर्ड रखो, मैं जैसा कि बताया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, उसके अंदर अल्फ़ाबेट नंबर सिंबल भी आए तो ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो। और फिर डब्ल्यू ई पी इनक्रिप्शन रखो, उसमें आपको डब्ल्यू ई पी यूज़ करना चाहिए। डब्ल्यू ई पी मतलब वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी डब्ल्यू ई पी का मतलब, तो डब्ल्यू ई पी इनक्रिप्शन यूज़ करना चाहिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और एक आता है डब्ल्यू पी ए, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ऐसा कुछ है। और फिर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस टू मतलब वर्जन टू भी आया, तो आप वाईफाई को सिक्योर करने के लिए ये तीन चीज़ यूज़ कर सकते हो, सिक्योर पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कर सकते हो। तो अभी इसमें अभी सपोज अटैक हो गया, आपके ऊपर साइबर अटैक हो गया, तो आपको रिस्टोर करना चाहिए, मतलब कि रिकवर कैसा करना चाहिए। तो जो भी आपको मालूम पड़ गया कि साइबर अटैक हुआ है, तो आपको है ना जो भी है कंप्यूटर में डेटा या फिर मोबाइल में डेटा, वो सब एक पेन ड्राइव में स्टोर कर देना चाहिए। और फिर जो भी पूरा रिस्टार्ट मार देना चाहिए, रिस्टार्ट नहीं फॉर्मेट मार देना चाहिए, जो भी है सब कुछ फॉर्मेट मार दो, जो भी डेटा जो रिकवर किया है वो फिर वापस से ले लो कंप्यूटर या मोबाइल में। और फिर आप उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन लेनी चाहिए, मतलब कि साइबर सेल में जाओ, उसको बताओ कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है या फिर जो भी हुआ है साइबर अटैक हुआ है, तो मुझे इन्वेस्टिगेशन उन लोग लेंगे, आपका जो भी है वो लेंगे, और फिर आपको मतलब जो भी क्रिमिनल रहेगा उसको जेल हो सकती है। जो भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट रहते हैं वो उधर बैठे रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए। और फिर देखो अभी यहाँ पे जो भी अभी अटैक हो गया आपको मालूम है, अभी हो भी गया रिकवर भी कर लिया, तो फिर आपको मतलब देखना चाहिए कि वापस से ना हो। और फिर इसके बाद एडुकेट योर स्टेक होल्डर, मतलब कि स्टूडेंट वगैरह को मालूम करना चाहिए, मालूम रहना चाहिए कि कैसे बचा जाए। तो मतलब कॉलेज में ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस करे, लेसन इंट्रोड्यूस करे कि जो भी है बच्चे या फिर टीचर वो बचे रहे साइबर अटैक से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।